नमस्कार, एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। पीएम मोदी को अमेरिका का न्योता, 22 जून को राष्ट्रपति बाइडेन के साथ डिनर करेंगे। न्यूयॉर्क में महिला से बदसलूकी के मामले में ट्रंप दोषी, कोर्ट ने 41 करोड़ देने को कहा। कट्टरपंथी संगठन हिजब उत तहरीर रायसेन के जंगलों में चलाता रहा कैंप, वन विभाग को भनक तक नहीं लगी। ताशकंद में पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग में हमारे 3 मेडल पक्के। खरगोन में हादसा, 25 मौतों का जिम्मेदार ड्राइवर नशे में था, 6 महीने से ही चला रहा था बस। गो फर्स्ट की देनदारी चुकाने से राहत मिली। मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के 23 छात्र सकुशल लौटे। हीरानगर हत्याकांड, कारोबारी के हत्यारों की पुलिस को चुनौती, बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। जल रहा पाकिस्तान, दूसरे दिन भी हिंसा, पीटीआई के कई वरिष्ठ नेता गिरफ्तार। गृह युद्ध के हालात, 4 में से 3 प्रांत सेना के हवाले, जनता सड़कों पर ही डटी रही। एग्जिट पोल में कांग्रेस बहुमत के करीब, नतीजा 13 मई को। मध्य प्रदेश का गौरव, 2 आतंकियों को ढेर कर शहीद हुए सतना के कर्णवीर को शौर्य चक्र। यूक्रेन में रूस के रॉकेट हमले में पत्रकार की मौत, जान गंवाने वाले 15वें पत्रकार। प्रधानमंत्री मोदी 18 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। फर्जी शरणार्थी बनाकर अमेरिका भेजने के मामले में नेपाल के 3 पूर्व गृह मंत्री घिर गए, एक गिरफ्तार, दूसरा फरार, तीसरे पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अरुणाचल में पीएससी पेपर लीक के विरोध में बंद से जनजीवन ठप। 3 साल मास्क लगाने के बाद जापान के लोग मुस्कुराना भूल गए, अब ट्रेनिंग ले रहे हैं। अमेरिका में यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए खरीद लिया मोहल्ला। अमेरिका में नियमित सिगरेट पीने वाले घटे। कोल्लम में मेडिकल कराने गए शिक्षक ने पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर की हत्या की। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।